तो अभी हम बात करेंगे लियो एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी 23 कैसा रहेगा, और जनवरी 23 का जो महीना है उसके अकॉर्डिंग ये कुंडली तैयार की गई है, जिसको आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों के गोचर को और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो ग्रहों का गोचर है वो क्या रिजल्ट आपको जनवरी 23 में दे सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ सूर्य के गोचर की, सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, इसके बाद ये मकर में जाएंगे। बुध धनु राशि में रहेंगे और 17 जनवरी 2023 तक ये वक्री रहने वाले। शुक्र मकर में गोचर करेंगे और 22 जनवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे। मंगल के गोचर की जहाँ तक बात है, मंगल वृषभ में वक्री रहने वाले और 13 जनवरी 2023 तक ये वक्री रहेंगे। गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे, शनि मकर में गोचर करेंगे और 17 जनवरी को कुंभ में इनका प्रवेश होगा। चंद्रमा 1 जनवरी को मेष राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। राहु अभी मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां जहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहां गोचर कर रहा है, और अब हम इसका प्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें आपके लग्नेश की, और आपके जो लग्नेश है वो सूर्य है, और सूर्य का गोचर इस मंथ में आपके पंचम भाव में होगा और छठे भाव में भी होगा। तो पंचम भाव में जब इनका गोचर हो रहा है तो ये 14 जनवरी तक आपके पंचम भाव में रहेंगे धनु राशि में, और आपका पंचमेश खुद अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि गुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो डिस्पोजिटर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक अच्छी स्थिति बनती है गोचर में, और यहाँ पे अब सूर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य इस राशि में काफी अच्छे परिणाम देने वाले होते। इसके अलावा आपको इस मंथ में ज्यादातर फोकस अपने करियर पर करना है और अपने पंचम भाव से जुड़े कार्यों पर करना है। अब बुध यहाँ भी साथ है सूर्य के, और यहाँ पर बुध हालांकि वक्री जरूर है पर फिर भी आपको डिसीजन लेने में या कोई भी काम करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेनली आपका फोकस संतान पर और आपके किए गए इन्वेस्टमेंट पर होना चाहिए। आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, कैसे आपको अर्निंग करनी है, किस तरह से आपको अपने अर्निंग के जो साधन हैं उनको मैनेज करना है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आप बहुत तेजी से सोच के डिसीजन ले सके और आगे बढ़ सके, तो ये ऐसी सिचुएशन में सूर्य आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, और कुछ हद तक आपके जो इमोशंस हैं उनके ऊपर सूर्य हावी रहने वाले पंचम भाव में सूर्य हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ अकल्ट वगैरह का भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो सूर्य यहाँ से आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं और जबकि बुध इनके साथ ही है, तो ऐसे में इस मंथ में आपको धन लाभ होने के संकेत मिलते हैं। 14 जनवरी तक के समय में आपका पैसा कहीं अटका हुआ है वो पैसा आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपकी कोई भी क्रिएटिविटी या आपकी कोई भी ऐसी स्किल के द्वारा भी आप यहां पैसा अर्जित कर सकते हो। अब सूर्य यहां से देखिए, सूर्य जो है वो आपके फिर असिप्ट होंगे छठे घर में। छठे घर में जब ये जाएंगे तो मकर राशि में जाएंगे और ये आपके कार्यस्थल पर चले जाएंगे। इस वजह से अपने कलीग के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, कुछ ईगो प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं, पर सूर्य का आपके छठे घर में जाना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से अपने काम को मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा। इसके साथ ही सूर्य जब छठे भाव में जा रहे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ इश्यू है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको आप इजीली दूर कर सकेंगे। इसके अलावा कोई कंपटीशन वगैरह में आप पार्ट ले रहे हैं या और कहीं आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली। अब सूर्य छठे घर में जाएंगे तो आपको सूर्य हमेशा वो एबिलिटी देते हैं जिसके तौर पर आप हमेशा अपने रूटीन को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। आप अपने खर्चों को और ओवरऑल आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है जीवन में जो चल रही हैं, आपका स्ट्रगल जो जीवन में आप कर रहे हैं उसको मैनेज करने में सूर्य काफ़ी हेल्प करने वाले। तो 14 जनवरी के बाद ये छठे घर में जा रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, सूर्य का यहाँ जाना आपको करियर के ऊपर फोकस ज़्यादा करने और अपने काम पर फोकस करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करेगा। तो सूर्य का यहाँ पर ओवरऑल जो गोचर है दोनों ही भाव में काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ ही अगर आप विदेश जाने का ट्राई कर रहे हो अभी, तो आपको सूर्य के छठे घर में जाने के बाद प्लान अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते बुध के बारे में बात करते हैं। देखिए, बुध है वो आपके लाभ स्थान और सेकेंड हाउस दोनों के स्वामी हैं, और इनका गोचर होगा धनु राशि में और 17 जनवरी तक ये वक्री हैं। 17 जनवरी तक का कुछ ऐसा समय आपके लिए रहेगा जहां पर कभी कभी आप कंफ्यूजन में जरूर रहेंगे कि आपको कौन से मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा डिसीजन आपको किस तरह से लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन में किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आने वाला है, आप प्रॉपर तरीके
से अपना एजुकेशनल करियर आगे बढ़ा सकते हैं। बुध का ये पंचम भाव में आना डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने और बिल्कुल लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा। इसके साथ ही पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों से आप पैसा अर्जित कर सकते हो। आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है या अपनी कोई क्रिएटिव स्किल के माध्यम से आप पैसा अर्जित करना चाहते हो, आपकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिसके बल पे आप कुछ पैसा अर्जित करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। इसके साथ ही बुध यहां से अपने ही भाव को देखेंगे। हालांकि ये अपना पूरा जो रिजल्ट है वो 17 तारीख के बाद देने में पूर्णतया सक्षम होंगे, क्योंकि अभी ये वक्री चलेंगे, तो आपका पैसा कहीं अगर अटका हुआ है वो पैसा आपका आएगा। इसके साथ साथ आपको धन की और वृद्धि भी देखने को मिलेगी साथ में। अब बुध का गोचर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध आपके सेकंड और आपके लाभ स्थान दोनों के ही स्वामी हैं, तो इनका प्रभाव आपके ऊपर पूर्णतया पड़ेगा। इसी के साथ आपका अपनी संतान के साथ कम्युनिकेशन वगैरह काफी बेटर होगा और यहाँ पे आप बहुत ही सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से और बहुत ही लॉजिक के बेस पे डिसीजन लेने वाले हो, तो डिसीजन मेकिंग में और जीवन में तेजी से आगे बढ़ने के लिए बुध आपको काफी अच्छा यहाँ सपोर्ट करने वाले। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र आपके तीसरे और आपके दसवें घर के स्वामी हैं। शुक्र के गोचर को अगर देखा जाए तो शुक्र मकर में गोचर करेंगे और मकर में गोचर करने की वजह से आप जिस स्थान पे या जिस भी आप प्लेस पे काम कर रहे हो वहां पे अपनी ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी लगाने वाले हो, वहां पर आपका फोकस मेनली रहने वाला है। और शुक्र यहाँ जब प्रवेश करेंगे मकर में, इनका शुरू में गोचर रहेगा और फिर 22 जनवरी को ये आपके 7th हाउस में भी प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ ये शनि के साथ रहेंगे। पर अगर हम बात करें इनके 6th हाउस के गोचर की, तो देखिए कार्यस्थल को लेके कुछ ना कुछ यात्राएं जरूर आपकी हो सकती है और यहाँ 14 जनवरी के बाद सूर्य आ रहे हैं, तो सूर्य के आने के बाद ज्यादा अच्छा गोचर रहेगा। हालांकि कुछ सूर्य और शुक्र की युति की वजह से मैरिड लाइफ को लेके जरूर कुछ कंसर्न्स आपके हो सकते हैं, अदरवाइज आपको कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छी यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा शुक्र का आपके छठे घर में गोचर करना ये आपके कार्यस्थल पर आपको स्त्रियों से विशेषकर आपको सहयोग दिलाता है, और अगर आपका शुक्र बहुत ज्यादा यहाँ पीड़ित हो रहा है या फिर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आपको कोई बदनाम ना करे अपने कार्यस्थल पर, आपके पीछे से कोई षड्यंत्र ना करे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही मेनली जो फोकस है आपका सिंह लग्न वालों का वो अपने करियर या अपने काम पर सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि शुक्र 10th लॉर्ड भी है और फिर यहाँ सूर्य का गोचर भी होगा, तो इस वजह से मेनली सबसे ज्यादा जो फोकस आपको करना है वो अपने डेली के रूटीन पे करना है, दिल्ली का जो आप अपना ऑफिस में काम कर रहे हो उस पे करना है। इसके साथ ही साथ देखिए कुछ खर्चे आपके जरूर होंगे, कुछ ऐसे कामों पे या ऐसे कुछ चीजों पे खर्चे होंगे जहां आप कुछ लेना चाहते हैं अपने लिए पर्सनल, कुछ आप खर्चे करना चाहते हैं। अगर आप कहीं ट्रेवल करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे पैसे आपके यहाँ खर्च हो सकते हैं, तो शुक्र का गोचर भी ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है वैसे देखा जाए तो, और कार्यस्थल पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए ये आपको प्रेरित करेगा। तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि शुक्र भी आपको काफी अच्छा यहाँ लाभ देने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अवेयर जरूर रहना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते मंगल के बारे में बात करते हैं। देखिए मंगल आपके 4th लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड है और इनका गोचर आपके 10th हाउस में होगा। मंगल 13 जनवरी तक वक्री है, तो 13 जनवरी तक का ये ऐसा समय है जब आप अपने कार्य क्षेत्र में या अपने जॉब में कोई भी परिवर्तन करने को सोच रहे हो, या मान लीजिए आपने अभी जॉब कहीं ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आप उसको तुरंत बदलने की सोच रहे हो, या आपको प्रमोशन वगैरह के लिए अभी इंतजार करना पड़ रहा है, तो ये जो समय है 13 जनवरी तक का वो समय है जब आपको कुछ जो काम है आपने जहाँ फोकस किया था जिन कामों को करने के लिए वो काम आपके पूरी तरह बने नहीं, लेकिन मंगल के यहाँ नारगी होने के बाद आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 13 जनवरी तक और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपका जो ट्रेवल है फॉरेन ट्रेवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल अपने किसी भी काम की वजह से हो सकता है। साथ ही साथ देखिए कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ है या कोई घर से संबंधित परिवार से संबंधित और भी काम अटका हुआ है, तो वहां भी काफी ज्यादा रिलीफ आप लोगों को मिलेगा।
इसी तरीके से जो लोग अपने जॉब की वजह से किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं उनको भी फायदा काफी ज्यादा होगा। तो मंगल के यहाँ होने से आप कोशिश करें कि अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशंस रखें, अपने काम पर, अपने जॉब पर, कैरियर पर सबसे ज्यादा फोकस रखें तो ये अच्छा रहेगा। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती हैं। यहाँ पे मंगल की जो एनर्जी है उसको आपको कंट्रोल करके काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके रिलेशंस अपने बॉस के साथ खराब भी हो सकते हैं। अब यहाँ जो मेनली जो मंगल है, मंगल आपको कार्य क्षेत्र में काफी ज्यादा मेहनती दिखाते हैं और काफी ज्यादा फोकस करने वाला और बहुत अच्छे से तेजी से काम करने वाला दिखाते हैं। तो कैरियर के हिसाब से देखा जाए जनवरी 23 का महीना काफी बेहतर, काफी अच्छा कहा जाएगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु के गोचर के बारे में। देखिए गुरु पंचमेश है और अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ अकल्ट में रुचि या कुछ अष्टम भाव के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें रुचि, कुछ रिसर्च जैसे कार्यों में आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा ये आपके ससुराल पक्ष के घर में है तो उनसे आपको कोई मदद मिलने वाली है और वो लोग काफी ज्यादा आध्यात्मिक होंगे ऐसा आप देखेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जब मंगल यानी जब गुरु यहाँ पे हैं तो गुरु का जो गोचर है ओवरऑल आपको काफी ज्यादा फायदा देने वाला है, धन संबंधी लाभ देने वाला है। अगर आपको पैतृक संपत्ति या किसी भी प्रकार का कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, फिलहाल कोई विवाद चल रहा है, अपने इनलॉज के साथ कोई विवाद चल रहा है, तो वहां पर आप बहुत अच्छे से निपट लेंगे। अब गुरु का यहाँ पर आना ओवरऑल हम ये कह सकते हैं अगर आप कोई रिसर्च वर्क के लिए फॉरेन जा रहे हो या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो गुरु आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ हेल्प करने वाले हैं और साथ ही साथ ये आपको अष्टम भाव का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा देने वाले हैं। तो अष्टम भाव से रिलेटेड आप भले अकल्ट का कोई काम कर रहे हो, भले कोई भी और काम कर रहे हो, तो यहाँ गुरु आपकी मदद करने ही वाले। इसके अलावा क्योंकि ये खुद की राशि में है तो खुद की राशि में होने की वजह से भी आपको काफ़ी हेल्प यहाँ मिलने वाली है। तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ अकल्ट में इंटरेस्टेड रहने वाले हो, साथ ही साथ आपको कोई ऐसा इनकम का सोर्स मिल सकता है, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट किए वहां से आपको फायदा जरूर हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो गोचर है गुरु का, ओवरऑल काफी अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। स्टूडेंट्स भी इस समय अगर काफी डीपली स्टडी करें तो उनको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि के गोचर के बारे में। शनि देखिए आपके छठे और सातवें घर के स्वामी और वो अब सप्तम में गोचर करेंगे और इनका जो प्रवेश होगा, शनि का जो आपके प्रवेश होगा आपके यहाँ पे 17 जनवरी से होगा कुंभ में, और कुंभ में इनका प्रवेश होने से आपके लिए मैरिज का योग बनेगा। इसके अलावा कुछ बिजनेस वगैरह नया स्टार्ट करने का और कुछ और भी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा जो आपके सप्तम भाव से रिलेटेड हैं, जो लोग राजनीति वगैरह में जाना चाहते हैं, जो लोग अपना कोई खुद का पर्सनल काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और अगले 2.5 साल तक का ये शनि आपके प्रवेश कर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मौका होगा क्योंकि शनि का गोचर काफ़ी लंबा होता है और ये बहुत ही बड़ा इवेंट भी हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा गोचर ये एक घटना जिसको हम बोल सकते हैं। तो अब शनि देखिए आपका सिक्स लॉर्ड होके आ रहा है सप्तम में, तो कुछ हद तक अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत अनबन या थोड़ी खींचतान जरूर करवा सकता है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। बट जो लोग मैरिड नहीं हैं, जिनका मैरिज वगैरह की कोई बात चल रही है, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही कुछ हेल्थ के इश्यू तो हम नहीं कह सकते, बट आपको कुछ यहाँ पे क्योंकि ये पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे तो थोड़ा स्लो कर सकते हैं आप लोगों को और आपके शरीर को भी थोड़ा ये स्लो कर सकते हैं। तो शनि के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो ये गोचर काफी मायनों में आपके लिए ज्यादातर केस में अच्छा ही रहने वाला है। अब आपका शनि अगर कुंडली में बहुत अच्छे स्थिति में नहीं है तो भी आप इस शनि से बहुत कुछ यहाँ एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब शनि क्योंकि आपको काफ़ी सही निर्णय लेने के लिए और आपको थोड़ा स्लो करने के लिए यहाँ प्रेरित करेंगे तो थोड़ा सा आपका कोई काम रुक सकता है। ऑलरेडी अगर आप कोई बिजनेस में, तो वो बिजनेस में इतना ज़्यादा इनकम आपको नहीं होगी या वो बिजनेस इतना जल्दी ग्रो नहीं करेगा, तो यहाँ एक पेशेंस की आपकी परीक्षा शनि जरूर लेने वाले। इसके साथ ही शनि का ये ओवरऑल गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि कुंभ राशि का जो शनि होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ आप थोड़ा सा यहाँ पर आप सेटिस्फेक्शन के साथ काम करें, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन अपनी कम से कम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शनि यहाँ पर जितना आप काम करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना रिजल्ट आप लोगों को जरूर देंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर आपका जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम पहले से चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, वो विवाद सुलझ सकता है और यहाँ पर आपको न्याय मिल सकता है।
तो ओवरऑल हमने यहाँ पे बात की सभी ग्रहों के बारे में। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का गोचर शुरुआत में मेष राशि में होगा, जहाँ ये राहु के साथ रहेंगे। तो आपको शुरुआत में ही कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने का मौका मिल सकता है, विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। शुरुआत के समय में कुछ ना कुछ ऐसे कार्यों के लिए आपको कहीं जाना पड़ सकता है। तो इस मंथ के स्टार्टिंग में ट्रेवलिंग का जो रोल है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके जीवन में रहेगा। और उसके बाद चंद्रमा यहाँ से प्रवेश करेंगे आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में इनका प्रवेश होने से जॉब के संबंध में थोड़ी आपकी चिंता ज़्यादा बढ़ सकती है। जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, जो लोग विदेश में जाके जॉब कर रहे हैं, उनको ये गोचर काफ़ी अच्छा, बेहद अच्छा रहेगा। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखिए, राहु और केतु के बारे में अब बहुत चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी, तो इनके बारे में कोई बात यहाँ नहीं करने वाले। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों की। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों को देखा जाए तो आप लोगों के लिए अच्छे दिन यहाँ पर बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर 2 से 4 तारीख तक और उसके बाद 10, 11, 19 और 20 ये दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इन दिनों में अपना आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी काम आप अपना निपटा सकते हैं। इसके बाद कुछ खराब दिनों की बात करें तो अगर खराब दिनों के लिए देखा जाए, सबसे पहले चंद्रमा का ट्रांजिट जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो 21 और 22 को ये समय आपके लिए थोड़ा अपने रूटीन के हिसाब से देखा जाए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। 21 और 22 को अपने काम पर फोकस आपका ज़्यादा रहना चाहिए, अपने जॉब पर फोकस रहना चाहिए। इसके साथ ही कुछ हेल्थ इश्यूज भी आप लोगों को आ सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा जब मीन में ट्रांजिट करेंगे 25 और 26 तारीख को, 25 और 26 का ये वो समय है जब आपको कुछ मानसिक तौर पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा आपका कुछ रिसर्च या अकल्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, आपकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं है, तो आप अपना धन अचानक से इन 2 दिनों में खो भी सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब कर्क राशि में होगा तो 7, 8 और 9 ये समय आपके लिए कुछ नींद से जुड़ी समस्याओं का है। कुछ नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, बर्डन थोड़ा आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। और ये 3 दिन कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए भी अच्छे नहीं है, हालांकि चंद्रमा अपनी ही राशि में है, फिर भी 12वें भाव में है। तो अगर आपके कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो इन 3 दिनों में कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हैं तो अवॉइड करके चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए कुछ खराब सूचना दे रहे, कुछ ऐसे दिन जहां पे आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब लगभग हम चर्चा कर चुके हैं, फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।